त्यौहार होता है उस दिन वो त्यौहार मनाया जाता है। तो जैसे जन्माष्टमी के दिन हमने एक्चुअली जन्माष्टमी कान्हा जी का अभिषेक किया, फिर रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन होती है हर साल। ऐसे ही सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, बस गणपति बप्पा के दिन बड़ा पंडाल लगता है यहाँ पर और सारे आते हैं बिना शूटिंग के और यहाँ पर पूजा करते हैं। सो एवरी फेस्टिवल ये है जो हर फेस्टिवल हर सेट पर सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो 75th इंडिपेंडेंस डे क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि DKP में शाही प्रोडक्शन में सबसे अच्छा उसका यू नो हर सेट पे देयर वाज अ कट आउट एंड एवरीथिंग, सो इट इज़ कमेंडेबल जब एक प्रोडक्शन हाउस आपको इतना सपोर्ट करता है और पूरी यूनिट में एक यू नो ऑस्पिशियस एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल छाया रहता है, क्योंकि सुबह शाम आरती होती है, सब आरती करते हैं घर से, कोई ना कोई अपने घर से नैवेद्य भोग प्रसाद सब लेकर आता है, कुछ लेकर आते हैं रोज़। और ये 10 दिन हमारे सेट पे फेस्टिवल होता है, शूटिंग तो होती है लेकिन ऐसा लगता है हम पंडाल में शूटिंग कर रहे हैं। जब मेरा अनुज का किरदार बस शो में आया ही था, 2-3 दिन हुए थे, तो मुझे अभी भी याद है सर से मुलाकात हुई थी यहाँ पे और वो मेरा पहला गणपति था अनुपमा के सेट पे और DKP प्रोडक्शंस में। और मैं सर को बोला था, ऐसे पता ही नहीं चला कि वक्त इतनी जल्दी निकल गया और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, तो इसलिए जब मेरे को पता चला कि अभी हम लोग फिर से ये स्थापना होने वाली है तो मैं शूट करा था, मैंने आकांक्षा को बोल दिया था, तो आकांक्षा ने बड़े प्यार से छली ने सब तैयारी वारी करी और हमने ये सोचा था कि हमारे घर पे हम गणपति नहीं रख रहे, लेकिन ये भी घर ही है, कर्मभूमि है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पूरे हम जितना, क्योंकि मैं और आकांक्षा अकेले रहते हैं, हमारे पेरेंट्स मेरे अलग शहर में रहते हैं, आकांक्षा के पेरेंट्स अलग जगह रहते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ आके इस परिवार के साथ एक पूरी तरीके से गणपति की पूजा की जाए। एंड बहुत ही अच्छा लगा एंड थैंक यू सर, थैंक यू राजन सर टू गिविंग मी एंड माय वाइफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द लवली कास्ट एंड क्रू मेंबर्स जिनके साथ मुझे खड़े होने का मौका मिला और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, वो सब इन लोगों की वजह से है।